हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ख़तरनाक वायरस के बारे में जो आपकी जान ले सकता है। यह वायरस है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस वैसे तो 1960 में सबसे पहले सामने आया था। यह वायरस आमतौर पर जंगली जानवरों में पाया जाता है, पर कोरोना वायरस जंगली जानवरों से आदमियों में भी ट्रांसमिट हो जाता है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस सबसे तेज़ी से फैला है चीन के वुहान शहर में। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस वुहान शहर की नॉन वेज मार्केट से लोगों में फैला है। वुहान शहर में बैट का सूप काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए लोगों का मानना है कि बैट के सूप की वजह से ही वहां के लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हुए हैं। कोरोना वायरस सांस की बीमारियों से फैलता है, जैसे खांसी, जुकाम, नाक का बहना या किसी के साथ हैंडशेक करना। अगर किसी जगह पे वायरस लगा हुआ है वहाँ पे हाथ रख देना, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। कोरोना वायरस का इलाज क्या है? कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, पर हम इसको रोकने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें नॉर्मल कोल्ड हो तो हम उसको जाके डॉक्टर के पास चेक करा सकते हैं। दिन में जब हम बाहर से आएँ तभी हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। जब हम कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तब भी हमें अपने हाथ घर आते ही धोने चाहिए, और बिना धुले हुए हाथों को आँख, कान, नाक पर हमें लगने से रोकना चाहिए, और जो लोग बीमार हैं उनके कॉन्टैक्ट से हमें बचना चाहिए। कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैलता जा रहा है, भारत में भी आने का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जैसे किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ जैसे आइसक्रीम, कुल्फ़ी आदि खाने से बचें, किसी प्रकार का बंद डिब्बा भोजन, पुरानी बर्फ का गोला, सीलबंद दूध तथा दूध से बनी मिठाइयां जो कि 48 घंटे से पहले की बनी हो उसे नहीं खाएं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आज ही कम से कम 90 दिनों तक न करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन या गर्म पानी से धोएं। खांसते छींकते वक्त नाक और मुंह को किसी टिश्यू पेपर या रुमाल से ढके, क्योंकि यह वायरस छींक से भी फैलता है। चीन की सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए दो अहम कदम उठाए हैं। पहला है कि वो 6 दिन के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसमें 1000 बेड लग सकते हैं, यानी कि 1000 मरीज उसमें एक साथ आ सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 दिनों में। और दूसरा, चीन सरकार ने वुहान और उसके आसपास के शहरों को लॉकडाउन कर दिया है ताकि उसमें रहने वाले लोग बाहर के लोगों से न मिल पाएं और ये कोरोना वायरस दूसरे लोगों में ना फैले। चीन में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। भारत में भी कोरोना वायरस होने की संभावना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई एयरपोर्ट में खास तौर पर जो चीन से आने वाले लोग हैं उनका स्पेशल चेकअप किया जा रहा है, और जिनमें ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं उनको स्पेशल हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन में डाला जा रहा है। चीन से लौटे 3 लोगों में कोरोना वायरस होने की आशंका के कारण उनको दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रखा गया है। तो मैं लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि अपने आप को साफ सुथरा रखिए। जब भी बाहर से हम आ रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से धोइए, 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोइए, और किसी बीमार व्यक्ति से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचिए। और अगर कहीं क्राउड में, भीड़ आदि जैसे जगह पर जा रहे हो तो अपने मुँह पर कपड़ा बांध के जाइए। और खाने की चीज़ों में नॉनवेज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बा बंद भोजन आदि से बचाव करें। आने वाले 90 दिनों के अंदर आप इन चीज़ों से परहेज करें ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें।